प्रदेश के बांधों से जुड़ी हुई बड़ी खबर। पूरे भरे बांधों की संख्या 4 से बढ़कर 16 हो गई है। 4.25 MQM से ज्यादा क्षमता के 3 बांध लबालब, जबकि 4.25 MQM से कम क्षमता के 13 बांध लबालब। आंशिक रूप से भरे हुए बांधों की संख्या पहुंची 256 पर, जबकि 691 में से 416 बांध अब तक खाली भी हैं। मॉनसून से पहले खाली बांधों की संख्या पहुंची थी 526 तक, लेकिन अब ये जो आंकड़ा आ रहा है ये अभी का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं हम जानकारी। पूरे भरे बांधों की संख्या 4 से बढ़कर 16 हो गई है, ये एक राहत की बात है। लेकिन अभी ऐसे और भी कई बांध हैं, जैसे कि 691 में से 416 बांध अभी भी खाली है। मॉनसून से पहले खाली बांधों की संख्या पहुंची थी 526 तक, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रही है। प्रदेश में बांधों के जलस्तर की ताजा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश के बांधों में 8 जुलाई तक कुल भरा क्षमता का 34.91% पानी, जबकि पिछले साल 8 जुलाई तक था कुल भरा क्षमता का 52.32% पानी। यह अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस लिहाज से बेहद कम। तो अब बांधों में तेज हुई आवक पानी की, पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के बांधों में कितना एमक्यूएम पानी आया है पूरी डिटेल से समझेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं विनोद सिंह चौहान। विनोद जी, क्योंकि जो आंकड़ा आया है अगर उस लिहाज से देखा जाए जिनमें पानी बहुत ज्यादा भर गया बांधों में उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, और अगर वैसे ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी बांध खाली पड़े हैं, तो इसे समझाने की कोशिश कीजिएगा। क्या पानी बरसा है मानसून में जितना बरसना चाहिए था, जितनी उम्मीद की जा रही थी? जी बिल्कुल, देखिए सामान्य से अच्छी वर्षा रही है। ये मानसून की बरसात का पहला चरण है, ठीक है। पहले चरण की बारिश बहुत बेहतर रही है, और देखिए जिस तरीके से बारिश से पहले मानसून से पहले तो प्रदेश के 4 बांध पूर्ण रूप से भरे हुए थे, अब उनकी संख्या 16 हो गई है। यानी देखिए 4 से बढ़कर 16 तक पहुंच गए। इसमें भी 4.25 MQM से अधिक क्षमता के जो 3 बांध है वो लबालब हुए हैं, जबकि 4.25 MQM क्षमता से कम के 13 बांध लबालब हुई हैं। और आंशिक रूप से जो भरे हुए बांध थे उनकी संख्या पहले 181 थी, जो इस मानसून में बढ़कर अब 256 पर पहुंच गई है। और ऐसी देखिए आप 526 संख्या थी जो खाली पड़े बांध थे, बिल्कुल सूखे बांध थे, अब उनकी संख्या कम रहकर 416 हो गई है। तो ऐसे में बांधों में लगातार पानी आ रहा है, और अच्छी बात यह है देखिए कि बांधों में लगातार पानी आवक होने के बाद अब हम बात करें प्रदेश के बड़े 22 बांधों की, तो आप देखिए कि 8 जुलाई तक कुल भराव क्षमता का उनमें 34.91% पानी है। और इसमें भी अगर हम बात करते हैं कोटा संभाग की, तो कोटा संभाग की 81 बांधों में 55.45% पानी है। और उसके इतर अगर अपन देखते हैं प्रदेश के बड़े बांधों में, तो देखिए कोटा बैराज में कुल भराव क्षमता का 98.74% पानी आ गया है। अगर 1 फुट पानी और आ जाता है तो कोटा बैराज के गेट खोलने पड़ेंगे और यहाँ से पानी चंबल के लिए निकालना पड़ेगा। तो केवल 1 फुट पानी का इंतजार है कोटा बैराज के लिए। अगर 1 फुट पानी ज्यादा आ जाता है तो यहाँ से पानी बाहर निकालना पड़ेगा। इसी तरह जवाहर सागर बांध की कुल भराव क्षमता का 83.54% पानी इस समय वर्तमान में है। राणा प्रताप सागर जो बड़ा सागर है उसमें कुल भराव क्षमता का 69.74% पानी है। सोम कमला अंबा जो बड़ा बांध है उसमें 45.55% पानी है। जय संबंध बांध जो बहुत बड़ा बांध है 44.88% पानी है। तो देखिए पानी की आवक अब लगातार बनी हुई है। ये पहला स्पेल था जो सामान्य से अधिक वर्षा रही है, अब दूसरे चरण का इंतजार किया जा रहा है। बताया जा रहा है 9 तारीख से फिर से झमाझम बारिश होगी प्रदेश में, और पूरी तरीके से प्रदेश में बारिश होगी। तो ऐसे में बिसलपुर जिसमें पानी की आवक शुरू हुई है उसमें त्रिवेणी चलेगी, तो यहाँ भी दिन फिरेंगे ज्यादा चलने की और कदम बढ़ेंगे। तो तमाम अभी सबसे जो ज्यादा हालत खराब है वो जोधपुर की है। देखिए जोधपुर संभाग में बहुत कम बारिश हुई है, 7.45 उम्मीद की जा सकती है, उम्मीद की जा सकती है इस बार मॉनसून को लेकर, क्योंकि अभी तो प्रथम चरण ही पूरा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए पिछले साल पेपर जो है जिस तरीके से आया था तो 54% पानी जो है जोधपुर संभाग के बांधों में आया था। लेकिन विनोद जी तब मॉनसून से पहले इतनी ज्यादा बारिश हो गई थी बिपरजॉय तूफान को लेकर, लेकिन मॉनसून में इतनी बारिश नहीं थी अगर मैं गलत नहीं हूँ। जी बिल्कुल, क्योंकि पहले ही झोली भर दी थी बिपरजॉय ने ही, मानसून से पहले प्रदेश के बांधों की झोली भर दी थी, उससे बांधों का जलस्तर बहुत तेज बढ़ गया था। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि मानसून लंबा रहेगा, अभी तो सामान्य बारिश आएगी सेकंड स्पेल में, जो थर्ड स्पेल आएगा वो सामान्य से भी अधिक बारिश का होगा। तो अभी 2 स्पेल बाकी है उनमें झमाझम बारिश होगी, बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ेगा, और पिछले साल के बराबर तो नहीं लेकिन पिछले साल से कमोवेश बराबर था रहने के आसार
हैं और ऐसे में बांधों में पानी की आवक तेज हो जाएगी, दूसरा जो चरण होगा उसमें भी बहुत पानी आएगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, आगे इंतजार रहेगा मानसून के अगले चरण का। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए विनोद जी आपका।